तो बॉस क्या हालचाल, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू एपिसोड पर। आज दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम मोबाइल के अंदर। तो आप लोग मोबाइल वर्सन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर वीडियो है, मैं वीडियो बना चुका हूँ। चाहो तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लस मेरा चैनल के अंदर जाके भी वो बोला वीडियो देख के आप एक कार फॉर सिमुलेटर गेम मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। बट अभी इस गेम के अंदर बहुत सारा पैसा मेरे पास हो चुका है, $1,30,000 के आसपास। और मैं इतना सारा पैसा के अंदर मैं बहुत सारा कार खरीदने वाला हूँ। और एक छोटा सा अपडेट आया था एंड अपडेट करने के बाद गेम के अंदर और एक न्यू चेंजेस हो चुका है, जो चेंज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चेंज है वो दिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्री हो तो सब्सक्राइब करना तो कर देना। सबसे पहले मेरे पास अभी $1,30,000 है, मैं जाऊंगा थोड़ा बहुत सुपर कार खरीदने के लिए और देखते आज कितना सारा पैसा अर्न करते हैं। आज मेरा टारगेट है $5,00,000 के आसपास मैं आज कलेक्ट करूँ। तो हाई प्राइस वाला सुपर कार मिलता है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ मतलब कार मार्केट पर। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ कार मार्केट पर एंड इधर से बहुत सारा सुपर कार देखने को मिले। और इधर से जो कार सेल करने के लिए आया वो ये सब बंदा इधर ऐसा मिट्टी के अंदर घुसा है क्यों? हाँ, ये कह रहा है ग्लीच या कुछ प्रॉब्लम है इस गेम का, बट मेरे को तो पता नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कुछ ग्लिच भी हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो गेम तो आपके मोबाइल के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप थोड़ा कमेंट करके मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। अभी दस से ये सब कार देखने को मिला, ये कौन सा कार है, बहुत ही खूबसूरत कार है। तो ये कार का प्राइस है $28,000, तो मैं इसको भी परचेस करने वाला हूँ। 28,000 से मैं थोड़ा कम करता हूँ, पूरा 28,000 करता हूँ, 8,400 आ रहा है तो मैं 8,000 में देखता हूँ। हाँ, 8,000 में ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है, अभी भी $1,00,000 बचा हुआ है। तो ये सभी बंदा मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है। और इधर से एक कार मिल चुका जो 73,000 है, तो ये भी मैं ले सकता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है इतना सारा कार में। बट इधर से एक 12,000 का BVM E36 का एक कार मिल चुका है, तो इसको भी मैं खरीद लेता हूँ। दो कार ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद एक रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत कार देखने को मिल रहा है जो मर्सिडीज कार का नेम है। और इधर से 4 लाख भाई साहब $4,50,000 का ये आ रहा है, तो मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ। और ये क्या BMW क्या बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो ये भी बहुत ही हाई प्राइस वाला रेट में जा रहा है, 21 लाख इधर से आ रहा है दोस्तों। $21,00,000 चाहिए इस कार को खरीदने के लिए, मतलब पूरा लग्जरी सुपर कार आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद इधर से लास्ट कार देखने को मिल रहा है जो इधर से 1,30,000 31,000 का प्राइस आ रहा है, BVM बोल के, या वो हो सकता है BMW, इधर से BVM नाम लिखा आ रहा है। तो इधर से मैं दो कार परचेस कर चुका हूँ, जो ये कार और उधर से एक कार। तो इधर से जो अपडेट आया हुआ है, अपडेट के बाद चेंज क्या है मैं आपको दिखा। तो इधर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको इधर से एक ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो एक मतलब क्या क्रेन टाइप का चीज, उधर आप लोग क्लिक कर दो तो आपका जो कार है आपका शॉप के पास चला जाएगा, आपको खुद ब खुद ले जाना नहीं पड़ेगा। पहला ऐसा नहीं था पर अभी आ चुका है। तो इधर से दो कार मैं लिया था, अब चलते हैं डायरेक्ट विलेज पर एंड विलेज पर देखते हैं कितना सारा कार मिलता है। अब भी $90,000 है, तो देखते हैं $90,000 में कितना ज्यादा और कितना सारा कार खरीद सकते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ इधर से विलेज पर एंड सबसे पहले इधर से एक बहुत ही खूबसूरत कार देखने को मिल रहा है, तो ये भी मर्सिडीज हो सकता है। हाँ, ये भी मर्सिडीज है, ये 36,000 में आ रहा है, तो मैं इसको परचेस करके इसको सेल कर देता हूँ। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मेरे को और एक कार मिल चुका है, हो सकता है इसका प्राइस कम हो। तो ये 12,000 का आ रहा है, तो 12,700 का आ रहा है, मैं 12,000 देखता हूँ 12,000 में सेल होता है कि नहीं। नहीं, 12,000 में नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं इसको सेल कर लेता हूँ एंड इसको मैं मेरा शॉप पर भेज देता हूँ। उधर से सामने भी और एक कार देखने को मिल रहा है, अभी भी $41,000 भरा हुआ है, तो ये देखते हैं कितना का। ये भी मर्सिडीज आ रहा है, पूरा मर्सिडीज टाइप का जो मैं अभी भेजा था उधर, तो हाँ ये भी मर्सिडीज है, 48,000 में आ रहा है। तो मैं, मेरे पास भाई इतना सारा पैसा नहीं है, इसको इग्नोर करता है, आगे चलते हैं। इधर से कार देखने को मिल रहा है, इधर देखते हैं ये वाला कार कितना आ रहा है, 47,000। और इधर से और एक कार मिल चुका है, इधर इसका प्राइस 10,000 आ रहा है, तो इसको मैं बाय कर लेता हूँ और इसको भी मैं भेज देता हूँ मेरा शॉप पर। और इधर से और एक कार मिल चुका है, तो देखते हैं इस कार का रेट कितना है। और ये आ रहा है 8,300 का, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ और इसको भी डायरेक्ट भेज देते हैं शॉप पर। तो इधर से शॉप पर जा चुका है। लास्ट में इधर से और कार देखने को मिले, और भी थोड़ा ढूंढूंगा। और अभी मेरे पास $22,000 पड़ा हुआ है, ये भी बहुत कम प्राइस का हो सकता है। तो ये कितना कार है, 14,000 का आ रहा है, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। तो टोटल इधर से बहुत सारा कार ऑलरेडी जा चुका है मेरा शॉप पर, तो अभी थोड़ा ढूंढते हैं देखते हैं और कितना कार मिलता है। दोस्तों मैंने काफी टाइम कार को ढूंढा बट मेरे को 7,000 के आसपास कोई भी कार फिर नहीं मिला, तो इसलिए मैं चलता हूँ मेरा शॉप पर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरा ऑफिस पर एंड देखते हैं इधर से कितना सारा कार देख सकते हो, इधर से कैसे कैसे कार रुका हुआ है, कार के ऊपर कार है। और इधर से टोटल मेरे पास 7 कार आ चुका है, तो सबको इधर से अच्छे से सजा देता हूँ। दोस्तों फाइनली सभी कार को अच्छे से रख दिया हूँ एंड इधर से शॉप को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इधर से सभी कार का रेट मैं फिक्स कर लेता हूँ, कौन सा कार का क्या का रेट रखने वाला। दोस्तों सभी कार का रेट फिक्स करके मैं सबको सेल पर भी लगा दिया हूँ एंड इसके इधर से बैक चल
डालते हैं। एंड आप लोग थोड़ा कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो मैं शॉप का नेम क्या रखूँ। अभी तो इसमें से कार फॉर सेल सिमुलेटर लिखा आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करो मैं कार इधर से शॉप का नेम क्या रखूँ, थोड़ा यूनिक नेम कमेंट करना। एंड इधर से मैं सबको सेल पर लगा दियो, हम देखते हैं कितना सारा कस्टमर आता है। और कस्टमर का जो ग्लिच था वो अभी भी चल रहा है। हाँ दोस्तों इधर देख सकते हो मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है और इधर उधर घूम रहा है, मतलब कुछ फानी टाइप का चीज देखने को मिल रहा है। फुल्ली ग्लिच हो चुका है या कुछ प्रॉब्लम है पता नहीं है। बार आप लोग गेम प्ले कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा मेरे को कमेंट कर सकते हो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है कि नहीं। अभी इधर से बहुत सारा कस्टमर आ चुका है फाइनली। अब इधर से देखते हैं सभी कस्टमर का क्या क्या प्राइस दे रहा है। तो इधर से पहला कस्टमर, इधर से मैं 28,000 में खरीद कर लाया था, इधर से 35,000 दे रहा है। ठीक है इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। तो ये मतलब इधर से 8,300 में लिया था, इधर से 9,000 दे रहा है, मतलब इसको मैं नहीं देने वाला। उसके बाद ये मेरे को 28,000 में लेके आया था, इधर से 35,000 में दे रहा है। तो थोड़ा तो मेरा प्रॉफिट रह रहा है, बट अभी थोड़ा ढूंढते देखते कितना प्राइस और कौन बंदा दे रहा है। ये देखता हूँ ये कार कितना में दे रहा है। ये मैं इधर से 36 में लेके आया था, 50,000 लगाया था ऑलरेडी मेरे को मिल, मतलब इतना ही पैसा दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं सेल करता हूँ। उसके बाद इधर से और एक कार रुका हुआ है, इधर से मैं 28,000 में लेके आया था और इधर से 31,000 देने वाला है। बट मैं 31,000 में इधर से 40,000 ऑफर करता हूँ, देता तो अच्छा होता, नहीं तो नहीं छोड़ो। तो 40,000 में ऑफर करता हूँ इसको, तो 40,000 में सेल हो चुका है। नेक्स्ट इधर से और एक कार आ चुका है और इधर से बाहर में कार एक आया हुआ है। तो कौन बांदा बेचने के लिए आया हुआ क्या? हाँ एक बांदा आ चुका है बेचने के लिए कार, $1,00,000 में इधर से सेल करने वाला है। ओडी, ओ माय गॉड, मैं इसको लेने वाला हूँ, इसको लेने वाला हूँ, इसको नहीं जाने दूंगा कोई। एक कार को मैं सेल करता हूँ जल्दी से, भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 12,000, 16,000 में इसको 20,000 में करता हूँ, तो 20,000 जल्दी से मैं इसको सेल करता हूँ। उसके बाद इससे हो चुका है $1,17,000 आ चुका है, इसको मैं ऑडी में खरीद लेता हूँ। इधर से 1,40,000 मतलब 4,000 में आ रहा है, तो मैं इसको कितना में करते हैं अभी, इसको पूरा 1,00,000 में करते हैं, देखते हैं कि लेता है कि नहीं। तो नहीं 1,00,000 में नहीं लगा, ठीक है इतना मैं खरीद लेता, अभी मेरे पास तो पैसा है तो मैं खरीद लिया ना, आ चुका है ना मेरे पास। हाँ फाइनली दोस्तों मेरा फास्ट सुपर कार ऑडी फाइनली आ चुका है मेरे पास, इसको सेल पर लगाएंगे बट अभी नहीं। इधर से बहुत सारा कस्टमर आ चुका है, इसको सबको मतलब बेचता हूँ। उसके बाद इधर से 8,000 में लेके आया था, ये 9,000 देने में तैयार हो चुका है, तो नहीं इसको नहीं देंगे, बहुत कम प्राइस दे रहा है यार। ये देखते हैं कितना दे रहा है, 8,000। तुम जाओ भागो, इधर से भागो, जल्दी भाग जाओ। हाँ ये भाग गया ना। उसके बाद ये दे रहा है कितना, मैं इधर 10,000 में लेकर 16,000 दे रहा है, तो इसको मैं 16,000 के जगह इसको मैं देता हूँ 20,000 में, देखते 20,000 में लेता है कि नहीं। 20,000 में नहीं लेने वाला है, ठीक है 20,000 छोड़ो, 18,000, 18,000 में लेगा, 18,000 नहीं, 18,000 में नहीं लगा, और 18,000 नहीं मिलेगा तो 17,000, 17,000 में लेगा, 17,000, 17,000 में नहीं, क्या यार एक भी प्राइस नहीं, वो कोई सेल करते हैं। और इधर से और भी बहुत सारा कस्टमर आ चुका है और मैं इधर से 12,000 में लगाया था, और 12,000 में तुम भागो जल्दी से भाग जाओ। और एक इधर से 12,000 में लिया था, 13,000 देने वाला है, भागो। उसके बाद इधर से एक बंदा 12,000, भागो 12,000 दे रहा है, तो इसको मैं 20,000 करता हूँ, 20,000 में सेल कर वो लेता है, तो मैं आराम से सेल कर दूंगा उसको 20,000 में। हाँ ले चुका है फाइनली, लास्ट दो कार बचा हुआ है और दो कार का कस्टमर नहीं आया है क्या यार? बाहर का रुका हुआ है कोई? नहीं अभी भी दो कार अभी रुका हुआ है। और मेरा फाइनली ऑडी कार, मेरा फास्ट सुपर कार आ चुका है, $1,00,000 में खरीदा, इसको मैं बेचने वाला करीब करीब 2 से 3 लाख डॉलर में। तो इसको सबसे पहले उधर रख देता है क्योंकि मैं कार के अंदर बैठता हूँ तो बहुत ज्यादा लाउड साउंड होता है। फाइनली इस कार को अच्छे से प्लेस कर दिया हूँ, फिर से और एक कार लेके आ चुका है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कार है, मेरे को लग रहा है ये बहुत ज्यादा प्राइस होने वाला है, तो देखते हैं कितना प्राइस में सेल करने वाला है, एक बार देख लेता मैं इसको, नहीं बोलूंगा 12 मिलियन, बहुत ही हाई प्राइस वाला सुपर, इसको मैं सेल पर लगा देता हूँ। मैं लिया $1,00,000, 1,04,000 में लिया, तो इसको मैं लगाने वाला हूँ कितना, इसको मैं लगाने वाला हूँ 3,00,000 में, जो बंदा देगा देखा, नहीं तो नहीं, मेरा फास्ट सुपर कार, तो मैं 3,00,000 में इसको लगा देता हूँ। ओके इसको 3,00,000 में लगा दिया, आप सेल पर लगाते हैं, देखते कोई बंदा आता है कि नहीं, बट जो भी बंदा लेगा वो बहुत अमीर होने वाला है, $3,00,000 काम नहीं होता यार। तो फाइनली एक कस्टमर आ चुका है, तो देखते हैं ये कितना प्राइस दे रहा है, तो ये 1,17,000 दे रहा है। हाँ तुम भागो अभी से, भाग जाओ अभी, भाग जाओ, मेरे को बेचना नहीं है। हाँ मतलब 1,04,000 में लिया और ये बंदा आके बोल रहा है कि 1,17,000 देगा, तो ये कितना दे रहा है, 1,18,000। क्या यार इतना हाई प्राइस वाला कार को इतना कम में सेल करने वाला हूँ? नहीं मैं तो नहीं सेल करूंगा, करीब करीब तो 50,000 के आसपास में रखने वाला हूँ। और एक कार लेके एक बंदा आ चुका है और देखते हैं कितना का प्राइस देने वाला है। तो ये देने वाला है एक मर्सिडीज है और 39,000 देने वाला है, तो 39 के जगह 36 ट्राई करते हैं, 36 देगा या नहीं।
नहीं 36 में नहीं देगा तो 38 करते हैं ना, 38,000 में देगा या नहीं, देखते 38,000 नहीं देगा क्या यार, कोई कोई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, एक और एक प्राइस खरीद लिया, और इधर से और एक बंदा आ चुका है इस कार खरीदने के लिए, 1,16,000 दे रहा है। बट इसको भी मैं नहीं सेल करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस, इसमें तो करीब करीब 50,000 के आसपास मैं प्रॉफिट लेने वाला हूँ, और ये कार को मैं अच्छे से प्लेस कर देता हूँ। तो इस कार को अच्छे से प्लेस करके इसका प्राइस भी फिक्स कर दिया। अभी इसको खरीदने के लिए और एक कस्टमर आ चुका है, तो ये 66,000 दे रहा है। तो अभी थोड़ा चलते हैं मार्केट के पास, बट मार्केट के पास जाने से पहले मैं इधर से थोड़ा सो लेता हूँ, थोड़ा इधर से रेस्ट ले लेता, नहीं तो और भी सारा कार, और भी न्यू न्यू कार नहीं ऐड होगा, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करने के बाद चलता हूँ। और बहुत सारा कार खरीद के लाएंगे, बहुत सारा कैसे होगा, अभी 66,000 डॉलर है, क्योंकि ये वाला ऑडी कार खरीदने के लिए मेरे पास अब जो पैसा था वो खत्म हो चुका है, और इधर से और एक कार खरीदने के लिए, सॉरी बेचने के लिए आ चुका है, और ये बंदा इधर से आ चुका है, देखते हैं कितना में सेल करने वाला है। इधर से मैं नहीं बोलूंगा इसको, इसको अभी हंडा देते हैं, अभी मेरे पास इतना सारा पैसा ही नहीं है यार। तो बट ये वाला ऑडी कार सेल होता तो हो सकता है बहुत सारा पैसा आ जाता, अभी भी दो तीन कार पड़ा हुआ है, और इसका प्राइस थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, देखते कस्टमर आता है कि नहीं। तो दोस्तों थोड़ा प्राइस में मॉडिफाई किया, एंड देखते सबसे पहले अभी सेल होता है कि नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा चलता हूँ मार्केट पर, एंड उधर से थोड़ा बहुत कार खरीद के लाते हैं ना। तो फाइनली इधर से कार मार्केट पर आ चुका है, एंड सबसे पहले एक कार देखने को मिला, ये कितना प्राइस का ले रहा है, ये इधर से ले रहा है 25,000 में। ओके मैं इसको भी सेल करने वाला हूँ। और इधर से एक सुपर कार देखने को मिला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक कार आया था मेरा, और अभी इधर से 2 मिलियन दोस्तों, 2 मिलियन डॉलर लगने वाला है इसको खरीदने के लिए। और इधर से और एक सुपर कार है जिसको खरीदने के लिए 60,000 डॉलर चाहिए मेरे को, बट अभी मेरे पास नहीं है। और 60,000 ना, सॉरी 60,000 ना, वो 6 लाख था। और इधर से 11,000 का एक कार है, तो इसको मैं खरीद लेता हूँ, परचेस कर लेता हूँ। और इधर से और एक कार देखने को मिल जाए, अभी ये 12,000 कार है, इसको भी मैं परचेस कर लेता हूँ, जो कम प्राइस वाला उसमें परचेस करने के बाद उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। ये 10,000 का आ रहा है, इसको भी मैं परचेस कर लेता, तो अभी 32,000 है। और ये बंदा कितना में ले रहा था, ये ले रहा है 25,000 में, इधर ये भी परचेस कर लेता हूँ। लास्ट इधर जितना भी कार था सभी को परचेस कर लिया, अब मैं सबको शॉप पर भेज देता हूँ मेरे ऑफिस पर, और उधर से मैं अच्छे से प्लेस कर दूंगा। इधर से 2 कार फाइनली, इधर से 3 कार हो चुका है, 3 कार, और इधर से 4 कार, 4 कार परचेस कर लिया, अभी 6,000 डॉलर बचा हुआ है, इतने में कुछ भी नहीं होगा। अभी मेरा चलता हूँ ऑफिस पर, जितना भी कार मैं लेके आया था सभी कार को अच्छे से प्लेस कर देता हूँ दोस्तों, सभी कार को प्लेस करके और इधर से सेल पर लगा दिया हूँ। एंड इधर से शॉप को ओपन नहीं किया, तब भी इधर से कस्टमर आ जा रहा है, क्यों पता नहीं, बट इधर से शॉप को ओपन सबसे पहले कर लेता है, एंड इधर से देखते हैं कस्टमर का प्राइस कितना कितना दे रहा है। तो ये कितना कम दे रहा है, 10,000 में लेके आया, 12,000 दे रहा है। ओके मैं इसको 12,000 छोड़ के इसको मैं 15,000 देखता हूँ, 15,000 में लेता है तो सही है, तो 15,000 में लेने लेने वाला है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं ये बंदा कितना में प्राइस दे रहा है। तो ये 1 लाख में जो डॉलर में लगाया था ऑडी कार, वो 1,26,000 में देने वाला है, तो सही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया। बट मैं इसको 50 में सेल करने वाला, तो देखते हैं 50,000 देता है कि नहीं, तो नहीं देगा, बट 30 तो दे दे, 30 तो दे दे, मैं सेल कर दूंगा इसको यार ऑडी को। ओके 30 में सेल करते हैं, 30 में भी नहीं ले रहा है, ओके इसको भी फिर से रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद ये 12,000 में लिया था, और 12,000 इसको सबसे पहले हटाओ। उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख में लेके 1,20,000 दे रहा है, तो क्या यार इतना कम प्राइस क्यों दे रहा है। फिर से देखते हैं 1,25,000 दे रहा है, तो इसको मैं 30 करके देखता हूँ, देता तो सही है, बड़े इतना में सेल कर देंगे, तो 30 करके देख लेते हैं, देगा तो अच्छा है। बट हाँ फाइनली ले चुका है, तो 30 में ले जा चुका है। उसके बाद और सारा कार आ चुका है, और ये कितना में ले रहा है, ये तो सेम प्राइस में ले रहा है, इसको हटाओ सबसे पहले। तो जितना मैं प्राइस में खरीद के लाया उतना प्राइस में ले रहा है, ये 15,000 में लेने वाला है, ठीक है, इसको मैं 17,000 करके देखता हूँ लेता है कि नहीं, में सेल करते हैं। और देखते हैं इधर से 12,000 में लेके आया, 12,000 में ऑलरेडी ले रहा है, इसको हटाते हैं। और ये मैं 12,000 में लेके आया, 13,000 देने वाला है, तो इसको मैं 13,000 से जगह इसको मैं 16,000 करके देखता हूँ देता है कि नहीं, 16,000 नहीं देने वाला, इसको हटाते हैं। और इधर से और भी दो तीन कस्टमर आ चुका है, इधर से 8,000 में लेके आया, 9,000 में सेल करने वाला हूँ, बट नहीं, इधर से और एक बंदा देख रहा है, 9,000 ही देने वाले, क्यों इतना कम प्राइस क्यों, इस कार के पीछे कुछ भी ये नहीं है क्या। ओके मैं इसको 11,000 में देखता हूँ, 11,000 में देता है कि नहीं, 11,000 में देता है कि नहीं, देने देने वाला है, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, देखते हैं ये कितना दे रहा है, ये भाई ये पहले हाँ जो। तो इधर से बहुत सारा कस्टमर आया था, बट प्राइस बहुत ही कम दे रहा है, तो इसलिए हटा दिया। उसके बाद देखते हैं इधर से 25,000 में लगा था, इधर से 36,000 देने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसको मैं सेल कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट इधर से एक कार है, बट वो तो कोई भी कस्टमर नहीं आया, इधर से और एक कार देख रहा है,
बारह में लिया सर 17,000 देने वाला है, तो 17,000 की जगह इसको 19,000 करके देखता हूँ, 19,000 देता है कि नहीं। नहीं ठीक है, 18,000 करते हैं, 18,000 में लेता है कि नहीं। 18,000, 18,000 में लेके जा चुका है। और बहुत सारा अभी दो दो कस्टमर इधर से आ रहा है, और एक कार के लिए भी एक कस्टमर आ चुका है, तो देखते हैं कितना दे रहा है। तो ये मैं 10,000 में लेके आया, इधर से 12,000 देने वाला है, बट इसको 12,000 देगा, 15,000 करके देखते हैं देता है कि नहीं। 15,000 में लेके जा चुका है। अभी और भी दो तीन कस्टमर घूम रहा है इधर, तो ये कितना में लेने वाला है, ये कहाँ जा रहा है, ये भाग जा रहा है क्या? हाँ भाग चुका है। तो दो अभी भी गाड़ी बचा हुआ है जो अभी भी सेल नहीं हुआ, तो हो सकता है बहुत ही घटिया लग रहा है या कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक वो पहले से ही ये दो कार रुका हुआ है, कोई बात नहीं। अभी 2,21,000 डॉलर हो चुका है। तो कार मार्केट पर जाऊंगा, उससे पहले मैं सो जाता हूँ। सो जाने के बाद क्या होगा, और भी बहुत अच्छा अच्छा कार आ जाएगा। ओके, रेस्ट ले लिया, अभी इस शॉप को बंद करते हैं, क्योंकि दो कार तो बेच ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इस शॉप को बंद करके चलता हूँ कार मार्केट एंड विलेज पर। और फाइनली मैं आ चुका हूँ कार मार्केट पर, एंड देखते हैं हम कार मार्केट पर उतना हाई वाला प्राइस वाला कार है, ये 96,000 में सेल करने वाला है, ये मर्सिडीज कार। नेक्स्ट इधर से और भी कार देखने को मिल रहा है, ये ऑडी देखने को मिला है 1 लाख डॉलर में, बट 1 लाख डॉलर में खरीद के ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला यार, तो सेव 26,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट मिला। ये कार के आसपास नहीं ला पाऊंगा, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। उसके बाद ये 76,000 में लेने वाला है। और इधर से और एक कार देखते हैं, ये 10,000 में सेल करने वाला है, 10,000 में ले लेते हैं। और इधर से और एक सुपर का देखने को मिल रहा है, तो ये कितना में ले रहा है, ये 5 लाख, भाई साहब 5 लाख के, 5.5 लाख के ऊपर प्राइस में ले रहा है। तो इस इधर से एक मर्सिडीज कार, जो ये मर्सिडीज को मैं परचेस कर लेता हूँ, 96,000 में दे रहा है, तो 96,000 में परचेस करने से परचेस में कर लिया। और इधर से इसको मैं भेजता हूँ मेरा शॉप पर। और इधर से और एक कार जो है, कहाँ गया, ये कार है क्या, तो ये नहीं है, वो कौन कौन सा कार है, ये तो 76,000, ओ ये कार है, ठीक है इसको मैं भेज देता हूँ मेरा शॉप पर। अभी 1 लाख डॉलर बचा हुआ है, तो डायरेक्ट विलेज पर चलते हैं। फाइनली मैं विलेज पर भी आ चुका हूँ, एंड सबसे पहले एक रेड कलर का कार देखने को मिल चुका है, ये हाई प्राइस नहीं होने वाला है, नहीं है 10,000 का सिर्फ वाला है, तो इसको मैं परचेस करके इसको मैं भेज देता हूँ शॉप पर। अभी थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं कितना अच्छा अच्छा कार मिलता है। दोस्तों मेरे पास 2,20,000 डॉलर के आसपास पैसा था, तो अभी मेरे पास सिर्फ 7,000 डॉलर पड़ा हुआ है, मतलब जितना भी पैसा था सभी पैसा से मैं कार को खरीद लिया हूँ, एंड मैं शॉप पर जाके दिखाता हूँ कितना सारा कार है। दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ मेरा शॉप पर, एंड देख सकते हो कितना सारा कार मैं खरीद कर लाया हूँ, और इसके से एक दो कार हाई प्राइस वाला कार है। उसके बाद बात करें तो इतना सारा कार तो अभी इधर से नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। आपको ये वाला एपिसोड अच्छी लग रही होगी, और ये सब काम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करेंगे। मेरा 5 लाख डॉलर कलेक्ट करने का जो टारगेट है, इस एपिसोड के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर थोड़ा हाई मतलब प्राइस वाला कार खरीदेंगे, एंड इतना सारा कार सेल करने का और भी ज्यादा पैसा मेरे पास हो जाएगा, और नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट रहेगा 1 मिलियन डॉलर कलेक्ट करने का। तो देखते हैं क्या होता है, बट आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, और अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो फिर गेम खेल रहा है। एंड आप लोग गेम अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन प्लस आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो एक बार चेकआउट करके देख सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।